साहिबगंज जिले के बोरी उपप्रमुख शांति पास की अगुवाई में एक शिष्टमंडल को डीसी रामनिवास यादव से मिलकर 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बोरियो बीडीओ से मिलकर प्रमुख और उपप्रमुख का अधिकार की जानकारी लेनी चाहिए। तो बीडीओ ने कहा कि प्रखंड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख और उपप्रमुख नहीं होते हैं, तो बताया कि जाए कि प्रमुख और उपप्रमुख का क्या अधिकार है। कहा कि बोरियो प्रमुख मुख्यालय के प्रथम तल्ला में प्रमुख और उपप्रमुख और पंचायत समिति के सदस्य कार्यालय कक्ष के लिए कमरा उपलब्ध कराया जाए ताकि जनता की समस्या सुनी जाए। मनरेगा योजना समेत अन्य योजनाओं की सूची प्रखंड स्तर पर पसर की बैठक में पारित होने के बाद उस योजना कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए। बताइए मैडम, क्या मांग, क्या हुआ? डीसी साहब के पास गए अपनी मांगों को लेकर, क्या हुआ पाते? क्या हुआ, हम लोग जो मांगे हैं डीसी साहब से मांग रखे हैं, तो डीसी साहब आदेश किया, तो डीसी साहब को आदेश दिया कि यार क्या मांग किया क्या? हम लोग मांग किए जो ब्रियो प्रखंड का विकास पदाधिकारी है वो हम लोग को कुछ नहीं मानते हैं, ना प्रमुख है, प्रमुख मेरा अध्यक्ष है, वो एकदम डायरेक्ट बोल दिया प्रमुख मेरा सेक्रेटरी नहीं होता है। हाँ तो अरे रूम भी हम लोग को कोना में दे दिया, जो रूम हम लोग को नीचे में दे दिया, अपने ऊपर में बैठे रहते हैं, अपना रूम ऊपर में है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग को भी उसके अगल बगल में होना चाहिए रूम, और जितना पंचायत समिति सदस्य है हम लोग का जो ई है, मैंने हम लोग सदस्य हैं ई समिति सदस्य, हम लोग जो हैं मैंने हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, इसीलिए हम लोग का मांग है कि वो हम लोग को समन दे, मन समन हम लोग को कुछ नहीं मिला है, और जो हम लोग को मिलना चाहिए जिसके नियम के आधार पे हम लोग वही मांग करते हैं। मांग पत्र लेकर आए थे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमुख उप प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य को वो नहीं मानते हैं, कुछ है ये लोग, और उसका सेक्रेटरी भी नहीं हम है, ऐसा क्लियर बोलते हैं। और यही सब डिमांड था, हम लोग डी साहब से भेंट करके बोले हैं, और हम लोग का रूम का मांग था वो भी रखे, हम लोग जो अनियमितता हुई है ब्लॉक स्तर पर उसके बारे में भी डिमांड में लिखा हुआ है मांग में हम लोग का, उसके बारे में दिए। डी सी साहब ने पढ़ा और उसको देखा, देख के डी डी साहब को आदेश किए हैं, और डी डी साहब कब आदेश निकालते हैं अपना चिट्ठी निकालने का। क्या 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 बातें हुई डी सी साहब? तो हम लोग का हर मांग को माने हैं, मानने के बाद डी डी साहब का आदेश किए हैं, इस पर आप कार्रवाई कीजिए। क्या कार्रवाई करते हैं डी डी साहब? आपकी मांग क्या थी? मांग था हम लोग का कि सबसे प्रथम मांग था कि प्रमुख उपप्रमुख का चैम्बर वीडियो का इर्द गिर्द होना चाहिए। दूसरा डिमांड था हम लोग का मेंबर के लिए एक रूम होना चाहिए हॉल, हम लोग को जो मेरा मेंबर आए बैठे ब्लॉक में अपना कोई समस्या लेकर आए बैठे, वो मांग था। तो उसके अलावा फिर दूसरा मांग था कि कोई भी योजना पास होगा ब्लॉक स्तर पर तो वो पंचायत समिति से पारित होकर जाए प्रशासन स्वीकृति में। उसके बाद मांग था जो अनियमितता हुई है, नरेगा हुआ, आपका इंदिरा आवास हुआ, वृद्धा पेंशन, यही सब था। इस पर डी सी साहब ने देखें और पढ़ें और आदेश किए डी डी सी को, अब डी डी सी साहब चिट्ठी निकालते हैं, आश्वासन तो डी सी साहब दिए हैं कि हम देख करेंगे।